आज लाभ पाचन का दिन ऐसा होता है, ध्यान से सुनना, ये महत्तम आपके जीवन को सुख प्रदान करता है, आनंद दे। दीपावली के दिन घर के दरवाजे पर केवल द्वार पूजन होती है, शुभ लाभ नहीं लिखाया जाता। आज लाभ पाचन का दिन ऐसा होता है कि कंकु से, सिंदूर से, हल्दी से जो आपके घर में हो, उससे दरवाजे पर या मंदिर के अंदर जहां तुमने लक्ष्मी पूजन करी होती है, एक तरफ शुभ, दूसरी तरफ लाभ लिखाया जाता है, जिससे हमारे घर में संपदा बढ़े, सत्ता बढ़े, हमारा वैभव बढ़े। आज के दिन लाभ पाचन क्यों कहा गया? क्योंकि इसी दिन गुणवती ने अपने भाग्य को लाभान्वित किया था, इसलिए ये लाभ पाचन। बहुत कुछ आपसे भी निवेदन है, आज लाभ पाचन का दिन निकलने मत देना। अपने घर के दरवाजे पर कुंकू से, हल्दी से या सिंदूर से, या जहां आपने लक्ष्मी का पूजन घर के अंदर करा हो, वहां पूजन वाली जगह पर कोई दीवाल हो, भगवान की अलमारी हो, भगवान की चौखट हो, कोई अब जहां हो, छोटा सा शुभ लाभ जितना बड़ा आप लिख सकते हो, कोई तीली से, काड़ी से, उंगली से, जहां अगर वहां नहीं लिख सकते तो अपने घर की अलमारी पर, तिजोरी पर, भंडार भरने वाली जगह पर, रसोई, कहीं पर भी शुभ लाभ लिख। जीवन पर्यंत समृद्धि, सुख, वैभव। और नियम बना लो कि दीपावली के बाद लाभ पंचम के दिन हमको शुभ लाभ लिखना है। आज ही का दिन होता है, आप लोगों को तो मालूम होगा, पहले के समय में दिवाली पर ये जो गल्ला व्यापारी है ना महाराज, इन लोगों की छुट्टी हो जाती है। अडवाल जी, ये गल्ला व्यापारी जो होते हैं ना, सारा व्यापार की छुट्टी हो जाती है। तो गल्ला व्यापारी जो होते हैं, कपड़ा व्यापारी होते हैं, नया काम जब चालू करते हैं तो आज ही के दिन से करते हैं महाराज, क्योंकि आज के दिन उनकी बही खाते की वापिस पूजन होती है, गल्ले की पूजन होती है, व्यापार की पूजन होती है, क्योंकि आज के दिन से जो करा हुआ जाता है वो आगे तक बढ़ जाता है, तरक्की की ओर। वकील, ये जो जितने अपने ये जीवन बीमा निगम करने वाले होते हैं, या LIC वाले होते हैं, या गाड़ी वाहन वाले होते हैं, या अन्य जितने भी होते हैं, इनको आज के दिन अपने काउंटर पर, अपनी पेन पर, लीड पर जो काम करते हैं वहां पर शुभ लाभ लिखना जरूरी होता है। कई लोग बाहर रहते हैं, नहीं लिख पाते, तो एक कोरे कागज पर कुंकू से शुभ लाभ लिख लो और वो घर पर जाकर बाद में चिपका लो। पर आज के दिन शुभ लाभ जो लिखा जाता है वो जीवन पर्यंत सुख समृद्धि में कमी, वो आनंद देने वाला। आज लाभ पाचन का दिन ऐसा होता है, ध्यान से सुन, ये महत्तम आपके जीवन को सुख प्रदान करता है, आनंद दे। दीपावली के दिन घर के दरवाजे पर केवल द्वार पूजन होती है, शुभ लाभ नहीं लिखाया जाता। आज लाभ पाचन का दिन ऐसा होता है कि कंकु से, सिंदूर से, हल्दी से जो आपके घर में हो, उससे दरवाजे पर या मंदिर के अंदर जहां तुमने लक्ष्मी पूजन करी होती है, एक तरफ शुभ, दूसरी तरफ लाभ लिखाया जाता है, जिससे हमारे घर में संपदा बढ़े, सत्ता बढ़े, हमारा वैभव बढ़े। आज के दिन लाभ पाचन क्यों कहा गया? क्योंकि इसी दिन आज लाभ पाचन का दिन ऐसा होता है, लाभान्वित किया था, ये महत्तम आपके जीवन को सुख प्रदान कर, आनंद दे। बहुत कुछ दीपावली के दिन घर के दरवाजे पर निवेदन है, आज लाभ पाचन द्वार निकलन होती है, शुभ लाभ नहीं लिखाया जाता। अपने घर के दरवाजे पर आज लाभ पाचन का दिन ऐसा होता है, या जहां आपने लक्ष्मी का पूजन घर के अंदर करा हो, पूजन वाली जगह पर कोई दीवाल हो, भगवान की अलमारी हो, भगवान की चौखट हो, दरवाजे पर या मंदिर के अंदर जहां आपने लक्ष्मी पूजन करी होती है, शुभ, अगर वहां नहीं लिख सकते तो अपने घर की अलमारी पर, तिजोरी, हमारे घर में भंडार भरने वाली जगह पर, सत्ता बढ़े, हमारा वैभव बढ़े। आज के दिन लाभ पाचन
क्यों कहा गया? कि इसी दिन आज लाभ पाचन का दिन ऐसा होता है और नियम बना लो कि दीपावली के बाद के जीवन को लाभ पाचन के दिन हमको शुभ लाभ लिखना है। आज ही का दिन होता है दीपावली। आप लोगों को तो मालूम होगा पहले के समय में घर के दरवाजे पर केवल द्वार पूजन होती है, शुभ लाभ नहीं लिखा है, लोगों की छुट्टी हो जाती है। आज लाभ पाचन का दिन ऐसा होता है, ये गल्ला व्यापारी जो होते हैं ना सारा व्यापार की छुट्टी हो जाती है। गल्ला व्यापारी जो होते हैं, कपड़ा व्यापारी होते हैं, नया पर जब चालू करते हैं आज ही लक्ष्मी पूजन करी हो गया है, बही खाते की शुभ गल्ले की पूजन हो, लाभ लिखाया जाता है, पूजन होती है, क्योंकि हमारे घर में पड़ा हुआ जाता है, पता बढ़े बढ़ जाता है, सत्ता बढ़े। हमारा वकील ये जो जितने अपने ये जीवन बीमा निगम करने वाले होते हैं या LIC वाले होते हैं या गाड़ी वाहन वाले होते हैं या अन्य जितने भी होते हैं, इनको आज के दिन अपने काउंटर पर अपनी पेन पर लीड पर जो काम करते हैं वहां पर शुभ लाभ लिखना जरूरी होता है। कई लोग बाहर रहते हैं नहीं लिख पाते, तो एक कोरे कागज पर कुंकू से शुभ लाभ लिख लो और वो घर पर जाकर बाद में चिपका दो। पर आज के दिन शुभ लाभ जो लिखा जाता है वो जीवन पर्यंत सुख समृद्धि में कमी नहीं, वो आनंद देने वाले। आज लाभ पाचन का दिन ऐसा होता है, ध्यान से सुनना, ये महत्तम आपके जीवन को सुख प्रदान करता है, आनंद दे। दीपावली के दिन घर के दरवाजे पर केवल द्वार पूजन होती है, शुभ लाभ नहीं लिखाया जाता। आज लाभ पाचन का दिन ऐसा होता है कि कंकु से, सिंदूर से, हल्दी से जो आपके घर में हो उससे दरवाजे पर या मंदिर के अंदर जहां तुमने लक्ष्मी पूजन करी होती है, एक तरफ शुभ दूसरी तरफ लाभ लिखाया जाता है, जिससे हमारे घर में संपदा बढ़े, सत्ता बढ़े, हमारा वैभव बढ़े। आज के दिन लिखा लाभ पाचन क्यों कहा गया? क्योंकि इसी दिन गुणवती ने अपने भाग्य को लाभान्वित लिया था, इसलिए ये लाभ पाचन। बहुत कुछ आपसे भी निवेदन है, आज लाभ पाचन का दिन निकलने मत देना, अपने घर के दरवाजे पर कुंकू से, हल्दी से या सिंदूर से या जहां आपने लक्ष्मी का पूजन घर के अंदर करा हो, वहां पूजन वाली जगह पर कोई दीवार हो, भगवान की अलमारी हो, भगवान की चौखट हो, कोई अब जहां हो छोटा सा शुभ और लाभ जितना बड़ा आप लिख सकते हो, कोई तीली से, काड़ी से, उंगली से, जहां अगर वहां नहीं लिख सकते तो अपने घर की अलमारी